और ये पहली भी समय से चलिए समय सेट हो चुका है और ये पहली रेट एक बार जोरदार ताली बजाएं भी अभी दोनों जिले के बीच में हाई वोल्टेज मुकाबला आपके अपने ग्राम बोरदेही में पहली रेट छिंदवाड़ा की ओर से डल चुकी है चार नंबर द्वारा बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन रेडर बेहतरीन डिफेंडरों के बीच में हाई वोल्टेज मुकाबला अब देखते हैं क्या कुछ होना है चार नंबर पहली रेट छिंदवाड़ा और इसके बाद गजनी भाई तैयार रहे बैतूल से आपका मुकाबला है पिफरिया मोहन बनाम चलिए 11 नंबर पर आ चुके हैं चिचोली अकेडमी की ओर से राहुल कुमार इवने देखते हैं क्या कुछ कमाल दिखाएं यहाँ पर चलिए ये जग्गी डोन जाएंगे शायद फिलहाल बाहर यहाँ पर चलिए एक पॉइंट प्राप्त हुआ चिचोली अकेडमी को ये शुरुआत हो चुकी थी चिचोली अकेडमी टीम का और फिर एक नंबर पर बेहतरीन तेज तर्राट खिलाड़ी में ये भी इस बार बिल्कुल शानदार सत्यम जो जिन्होंने डिफेंस किया सत्यम नाम है एक बार इनके जोरदार नाले बजाए छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन बेहतरीन प्रयास टीम के मुख्य रेडर को बाहर किया फिलहाल और फिर राहुल कुमार 11 नंबर ये भी बेहतरीन रेडर उतना बेहतरीन टीम छिंदवाड़ा रनिंग हेड टच का बिल्कुल तेज तर्राट प्रयास कर रहे हैं तेज तर्राट डिफेंस टीम छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा में नाम चिचोली अकेडमी बैतूल फिर तैयार 4 नंबर शांति बनाए रखें ये बिल्कुल हाई वोल्टेज मुकाबला आप देख पा रहे हैं 4 नंबर फिर छिंदवाड़ा और ये बेहतरीन इधर से उधर लगातार फेंस करते हुए दोनों टीमें इस बार फिर मैच करेंगे बेहतरीन 2 पॉइंट छिंदवाड़ा 4 नंबर बिल्कुल सफल रेट कर चुके हैं छिंदवाड़ा के लिए और अब चिचोली अकेडमी की ओर से मनोरी मनोरी की पहली रेट देखते हैं क्या कुछ कमाल करेंगे लेफ्ट रीडर में तो बेहतरीन रीड करने में सक्षम लेकिन पहली रीड है और आते ही आगे बिल्कुल शुरुआत कर चुके हैं मनोरी बैतूल के लिए चिचोली अकेडमी के लिए और 4 नंबर जिन्होंने पिछली रीड पर 2 पॉइंट प्राप्त किए थे बेहतरीन रीडर 4 नंबर फिर छिंदवाड़ा के लिए कुछ कमाल दिखाने के लिए तैयार है बेहतरीन मुकाबला बेहतरीन आयोजन आपके अपने ग्राम बोरदेही में लगातार शानदार बढ़ते क्रम पर और इस बार टेस्ट का प्रयोग लेकिन इस बार लीडर जाएंगे शायद बाहर लीडर आउट एक और एक बार दोनों टीम के लिए जोरदार ताली बजाएं यार एक बार अपने लिए बजा दें एक बार कमेटी के लिए बजा दें बहुत बढ़िया आयोजन एक बार बोरदेही वालों के लिए बजा दें बहुत शानदार आयोजन कराया और बहुत शानदार टीम है और ये 11 नंबर और 11 नंबर फिर तैयार बिल्कुल शानदार दो जिले के बीच में अगले मैच पर गजनी तैयार रहे थोड़ी देर बाद गजनी आएंगे यहां से जीतने वाली टीम सेमीफाइनल और इस बार बिल्कुल शानदार प्रयास ने देखे एक और पॉइंट छिंदवाड़ा और फिर मनोरी आए बिल्कुल बेहतरीन एक रेट कर चुके इससे पहले सक्सेस इसके बाद ये दूसरी रेट उनके देखते हैं क्या कुछ कमाल दिखाएंगे और इस बार बेहतरीन प्रयास ने देखे चलिए रेड आउट एक पॉइंट प्राप्त हुआ छिंदवाड़ा को तो फिर 4 नंबर स्कोर बताया भी है क्या स्थिति चल रही है आगे चल रही है अभी छिंदवाड़ा 4 पॉइंट चिचोली भी 4 पॉइंट 4-4 की बराबरी पर चलता हुआ मुकाबला 4 नंबर फिर रेड पर नीले कलर पर चिचोली अकेडमी बैतूल जिला और अगर छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा जिला बिल्कुल शानदार प्रयास फिर 11 नंबर आए राहुल कुमार इवने लगातार अच्छी रीत करने में सक्षम
अभी तक डिफेंस नहीं हुए, बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। अब इस ब्रेक पर देखते हैं क्या कुछ कमाल दिखाएंगे। स्कोर फिलहाल 4-4 की बराबरी पर। चलिए ये आसानी से यहाँ पर एक और पॉइंट प्राप्त हुआ चिचोली अकेडमी को। और ये चलिए एक नंबर पुनः तैयार। बेहतरीन प्रयास, एक नंबर बहुत लंबे तक के खिलाड़ी छिंदवाड़ा की ओर से उतने बेहतरीन चिचोली अकेडमी लगातार इस टूर्नामेंट में बने रहने का प्रयास। चलिए एक और पॉइंट छिंदवाड़ा, स्कोर 5-5। 5 पॉइंट चिचोली, 5 पॉइंट छिंदवाड़ा। बेहतरीन टसर का मुकाबला, स्कोर लगातार बराबर। फिर 11 नंबर। चलिए रनिंग हैंड टेस्ट लगातार सक्सेस हो रहा है 11 नंबर का। चलिए अब एक पॉइंट की बढ़त पर चिचोली अकेडमी, कभी चिचोली अकेडमी कभी इधर, और छिंदवाड़ा 11 नंबर आए पहली रेड लेकर। काफी लंबे तक खिलाड़ी हट्टे कट्टे खिलाड़ी, देखते हैं क्या कुछ कमाल दिखाएंगे। और इस बार चलिए 2 पॉइंट एम्पायर डिसीजन अंतिम चल रहा है। बेहतरीन 2 पॉइंट, ओके। चलिए कंटिन्यू, ओनली 2 पॉइंट रेट कराया। स्कोर बताया भी है 7-6। 1 पॉइंट की बढ़त पर फिलहाल छिंदवाड़ा। शानदार वापसी करती टीम छिंदवाड़ा, बढ़त पर 1 पॉइंट की। और अब 11 नंबर देखते हैं क्या कुछ कमाल दिखाएंगे। इस बार फिर से, फिर इसको बराबर, फिर 7-7। लगातार मुकाबला बराबर होता हुआ, कभी 6 फिर 7-7। बेहतरीन टीमें हैं दोनों, अपने अपने जिले का नेतृत्व कर रहे हैं। और 4 नंबर लगातार प्रयास। चलिए 1 पॉइंट प्राप्त हो चुका है। अब 8-7, 1 पॉइंट से छिंदवाड़ा आगे। टाइम आउट छिंदवाड़ा। बेहतर वालों के लिए ट्रेन आ चुकी है, जो जाना जा रहा है जा सकते नहीं है, पर अभी चलिए सनसेट। और 11 नंबर, स्कोर लगातार बराबर बराबर होता हुआ, लेकिन अब 7-8। अब देखते हैं 11 नंबर, जो कि लगातार पॉइंट प्राप्त किया, नाम है राहुल कुमार यूनियन, हर एक पर पॉइंट प्राप्त करने की क्षमता। तो इस बार भी फिर बराबर। आठ बराबर, हर रेट पर पॉइंट प्राप्त कर रहे हैं अब 11 नंबर चिचोली अकेडमी। और 1 नंबर लगातार अच्छा प्रयास। छिंदवाड़ा की ओर से बेहतरीन प्रयास कर रहा है 1 नंबर, लेकिन उतना ही लगातार शानदार डिफेंस मजबूत, रेड मजबूत दोनों टीमों का। और 11 नंबर जो कि अभी तक एक बार भी टैकल नहीं हुए, स्कोर लगातार बराबर 8-8। इस बार फिर सक्सेस 11 नंबर। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाया, हर रेट पर पॉइंट, एक बार भी डिफेंस नहीं हुए 11 नंबर। रनिंग हेड टच बिल्कुल सक्सेस कर रहे हैं। चार फिर से लगातार 1 और पॉइंट, फिर 9-8। अब बराबर बराबर बराबर, स्कोर बराबर भी है।
और मनूर यहाँ है, फिर अब देखते हैं क्या कुछ करेंगे। चलिए आप लोग ना बोले, आप लोग ना बोले, चलो एक बार डिस्कस कर लें। और ये पुनः रेट छिंदवाड़ा स्कोर बनाया भी है, स्कोर क्या स्थिति है फिलहाल? स्कोर बताएं, स्कोर रेफरी, एक पॉइंट की बढ़त पर छिंदवाड़ा, ओके कंटिन्यू, एक नंबर छिंदवाड़ा रेट पर। वो एक हाउ बोल रहा, एक नहीं बोल रहा, एक हाउ बोल रहा, एक नहीं बोल रहा। भाई क्या यार, ओ समिति हमारे सदस्यों से हमारा अनुरोध है, कोई भी खड़ा हो जाए, क्या क्या कर रहा है यार पीछे, 10-15 तो अलाइनमेंट हो गए चुकी है दूसरे 10 मिनट के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं यार सभी के लिए, दोनों टीमों के लिए। और 10 मिनट का समय बाकी है और दो पॉइंट की बढ़त पर छिंदवाड़ा, और देखते हैं क्या चुचू लेकर वापसी कर पाएगी। आप बिल्कुल बढ़त पर रहेगी टीम छिंदवाड़ा। और एक नंबर छिंदवाड़ा की ओर से रेड लेकर सुपर टेकल ऑन है। हेलो, और एक नंबर सुपर टेकल ऑन है। पिपरिया मोहन बनाम बैतूल तैयार होकर आ जाए ग्राउंड पर। तो 77 नंबर आए चिचुले एकेडमी की ओर से बेहतरीन तरीके से रीड करने के लिए। बैक किक का प्रयोग, बोनस प्राप्त हुआ यहाँ पर, अभी भी सुपर टैकल ऑन है, पकड़ने पर 2 पॉइंट प्राप्त हो सकते हैं यहाँ पर। तो 4 नंबर आए सुपर टैकल ऑन। सुपर टैकल का मतलब ये होता है कि जब भी ग्राउंड पर 3 या 3 से कम खिलाड़ी होते हैं, पकड़ने वाली टीम को मिलते हैं 2 पॉइंट। यानी कि अगर 3 खिलाड़ी हो, 2 खिलाड़ी हो, 1 खिलाड़ी हो, पकड़ता है तो बिल्कुल 2 पॉइंट, पकड़ने वाली टीम खूब पकड़ो और 2 पॉइंट। लेकिन उतने तेज तर्रा 4 नंबर और 77 नंबर जिन्होंने बोनस प्राप्त किया था इससे पहले रेट पर, अब पुनः आ चुके हैं, देखते हैं क्या कुछ कमाल दिखाएंगे। अभी भी थर्ड रेट और डू अटाइम दोनों, डू अटाइम और सुपर टेकल दोनों यहां पर, पकड़ने पर 2 पॉइंट, नहीं पकड़ने पर भी 2 पॉइंट, लेकिन बचना पड़ेगा 30 सेकंड। लेकिन ये यहां पर ये सुपर टेकल सक्सेसफुल, स्कोर बताया भी है क्या है, 11-12, एक पॉइंट की बढ़त पर चिचोली अकेडमी। और सुपर टेकल के चलते ही यहाँ पर एक पॉइंट की बढ़त पर चिचोली अकेडमी बिल्कुल शानदार वापसी करती है। और कप्तान खुद आए यहाँ पर 7 नंबर रवि कुमार इवनिंग, पहली रेट कप्तान द्वारा, आप देखते हैं क्या कुछ करेंगे। और वापस धर्मशील स्थान के एक पॉइंट की बढ़त पर चिचोली अकेडमी, 4 नंबर, 4 के डिफेंस, बहुत मजबूत टीम छिंदवाड़ा, बहुत मजबूत टीम चिचोली अकेडमी। और ये घोड़ा रेट, सतहत्तर नंबर रेफरी महोदय बाहर वालों की ध्यान रखें। एक और पॉइंट
सेल्फ पे थे, बाहर वाले कुछ भी बोलते रहे। टाइम आउट चीज़ लेकर भी टाइम आउट लिया गया, समय सेट किट कर। और एक नंबर आया, देखते हैं क्या कुछ कमाल दिखाएंगे या फिर लगातार जो बढ़त पर टीम चिचोली एकेडमी, ये कुछ कमाल दिखाएंगे। ये इनके खिलाड़ी लगातार बढ़ते क्रम में तीन से चार और चार से पांच हो चुके हैं। और एक नंबर छिंदवाड़ा की ओर से रेड लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतने ही तेज तर्रार टीम, क्योंकि आप जानते हैं छिंदवाड़ा की सबसे बेहतरीन टीम जो ये खेल रहे हैं छिंदवाड़ा टीम, और उतने बैतूल जिले की बेहतरीन टीम चिचोली एकेडमी। जिले के सारे टूर्नामेंट जीतने वाली टीमें हैं दोनों, लेकिन आमने सामने फिलहाल। और रवि कुमार इन्हें सात नंबर जो सिपर चिचोली एकेडमी के लिए पुनः रिट पर। और गजनी भाई तैयार होकर जाएं, और ये डू ऑर रेट करो या मरो वाले रेट है। अब देखते हैं क्या कुछ कमाल दिखाएंगे एक नंबर पर छिंदवाड़ा। एम्पर बताएंगे, एम्पर कोई दिक्कत नहीं है या नहीं, एम्पर बताएं, एम्पर बताएं, है तो है नहीं तो नहीं, एम्पायर बताएं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलो आराम से एम्पायर बताएं। माँ की कसम खाने लग गए भाई, एम्पायर बताएंगे और जो बताएंगे वो सही होगा, मान्य होगा, वैलिड होगा, बता दिया एम्पायर डिसीजन अंतिम सर्वर। चलिए एक पॉइंट मिला यहाँ पर छिंदवाड़ा टीम को, कंटिन्यू कराएं। चलिए स्कोर बताएं, स्कोर रेफरी और इस बार बेहतरीन बोनस स्कोर बता दिया स्कोर रेफरी, बोनस स्कोर बताएं 14 और कितना है, दो पॉइंट के बढ़त पर चिचोली एकेडमी, चिचोली एकेडमी दो पॉइंट से आगे है ना, 12-14 फिर 13-14, 13 पॉइंट छिंदवाड़ा, 14 पॉइंट चिचोली, लगातार समय बताएं भाई निरंतर घटता हुआ टाइम, 4:15 बाकी, ये टाइम का बहुत महत्व होता है गेम में। और 77 नंबर और लगातार थोड़ा ही समय बाकी है 4 मिनट का लगभग, उसमें देखते हैं क्या कुछ। अभी भी एक पॉइंट की बढ़त पर चिचोली एकेडमी, फिर सुपर टैकल, फिर वही खिलाड़ी, फिर वही सब कुछ, लेकिन इस बार 4 नंबर आए पकड़ते हैं तो बिल्कुल 2 पॉइंट, लेकिन क्या देखते हैं 3 बच्चे हैं ये तीन खिलाड़ी। और इस बार एम्पायर बना, एम्पायर कोई दिक्कत नहीं, जितने भी एम्पायर बताएं आराम से बताएं, कोई दिक्कत नहीं, चलो 2 पॉइंट ठीक। सब्स्टिट्यूशन लिया जा रहा है यहाँ पर, 6 नंबर बाहर अब आए योगेश कुमार विकेट, बेहतरीन खिलाड़ी, अब देखते हैं क्या आउट बजा पाएंगे यहाँ पर, जबरदस्त खिलाड़ी है ये भी, एक नंबर योगेश कुमार, तो उम्मीद है कि यहाँ पर। और ये डिफेंस ऑल आउट हो चुकी है यहाँ पर टीम चिचोली एकेडमी, इसको और बताएंगे लाइनमैन कैप्टन रेफरी समय सेट, कंटिन्यू डिफेंस करना पड़ेगा आप चिचोली एकेडमी को, यहाँ पर मात्र 3 मिनट का समय बाकी है, 4 पॉइंट का अंतर है, वापसी कर सकती है चिचोली एकेडमी, लेकिन देखते हैं किस प्रकार या फिर छिंदवाड़ा बरकरार रहेंगे अपने बढ़त पर, दोनों टीम बढ़िया क्योंकि आइए यहाँ पर आसानी से एक और पॉइंट, 5 पॉइंट का अंतर, अब यहाँ मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा। चलो राहुल कुमार काफी लंबे समय के बाद में रेड कर रहे हैं, पहले आप पर बिल्कुल शानदार रेड करी थी, एक भी डिफेंस नहीं हुए थे उसके बाद में, अब डिफेंस में तो अभी एक बार भी डिफेंस नहीं हुआ राहुल कुमार इवनिंग, लेकिन जल्दी जल्दी रेड करनी पड़ेगी टीम चिचोली एकेडमी के लिए समय के हिसाब से। अब देखते हैं क्या छिंदवाड़ा डिफेंस करेगा इस बार, और ये डिफेंस पहली बार हो जाएगी बाहर, 5 पॉइंट का अंतर, 5 या 6 ओके 6 पॉइंट की बढ़त पर छिंदवाड़ा बिल्कुल मजबूत स्थिति में फिलहाल। और 4 नंबर
जो पीले कलर पर टीम है, यह है छिंदवाड़ा 6 पॉइंट की बढ़त पर, और दूसरे साइड में जो टीम नीले कलर पर चिचोली अकेडमी बैतूल, और अगला जो मैच होना है पिपरिया मोहन बनाम बैतूल, अंतिम मुकाबला, उसके बाद में एक सेमी और एक फाइनल। स्कूल की आज छुट्टी है क्या? और एक बार फिर डिफेंस, चलिए 4 खेले बचे हैं और 7 पॉइंट का अंतर। बेहतरीन दम हम दिखा टीम चिचोली अकेडमी ने, उतने शानदार छिंदवाड़ा, लेकिन अंतिम समय में थोड़ा पिछड़ती टीम चिचोली अकेडमी। समय बता दें भैया, फिर से टाइम बता दें, बचा हुआ 1 मिनट का समय शेष, और ये डुआ डायरेक्ट पिपरिया मोहन बनाम बैतूल ग्राउंड पर जाए अंतिम मुकाबले के लिए। इस दौर का अंतिम मुकाबला, दो टीमें आ चुकी है सेमी या फाइनल के लिए, जिसमें से एक परासिया और यहां से एक जो टीम जीतने वाली वो, और अगले बीच में जो वो, उनके बीच में होना है लाट, सेमी और फाइनल। चलिए यहां पर डिफेंस, 1 पॉइंट चिचोली अकेडमी, और काफी मजबूत स्थिति में फिलहाल 6 पॉइंट का अंतर से आगे चल रही है टीम। चलिए एक नंबर, बैतूल बनाम पिपरिया मोहन ग्राउंड पर आ जाए अति शीघ्र। चलिए समय समाप्त, और यहां